भारतीय जनता पार्टी ने शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की एक शिकायत चुनाव आयोग को दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिन अपने नामांकन पत्र दाखिल करवाने के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को एकत्र किया और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहाँ मौजूद रहे। वहीं भाजपा ने कहा है कि यह सरासर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। भाजपा ने इस संबंध में विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। शिकायत में कहा गया है कि विक्रमादित्य सिंह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के आदि हैं और इससे पहले भी वे कई बार ऐसा कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चुनाव आयोग ने, भारतीय जनता पार्टी के विंग ने विक्रमादित्य जी के खिलाफ जो है कंप्लेंट करी है, उसके अंदर विक्रमादित्य के खिलाफ हमने आरोप लगाया है कि जितने भी लोग वो नॉमिनेशन के टाइम अंदर ले गए थे उसकी संख्या 5 से ऊपर थी। 5 की जो संख्या है वो निर्धारित की जाती है कि जितनी भी अथॉरिटीज SDM या कहीं भी हम नामांकन दर्ज करते हैं तो 5 से ऊपर लोग अंदर नहीं जा सकते, और उनके साथ जो है वो 5 से ऊपर लोग थे और 10 के आसपास ही संख्या अंदर थी। तो दल बल के साथ नामांकन भरना जो है वो संविधान के खिलाफ है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो एक हैबिचुअल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ब्रीचर है। वो हमेशा जो है लॉ को जो है वो सरपास करते आए हैं। पिछले चुनावों में भी उन्होंने, जब आपके बाई इलेक्शन थे और उनकी माताजी चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने रात को 10-11 बजे जो है फेसबुक के माध्यम से लोगों से अपील करी, जिसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो एक लास्ट मोमेंट में उन्होंने किया था। हमने कंप्लेंट करी थी पर उस पर एक्शन नहीं आया। दूसरी बात, इनकी बैठकें हुई थी कुल ऐसे और जुलूस निकाले थे जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के टाइम के बाद था, जब प्रचार नहीं हो सकता। उस समय भी लोगों ने जो है पटके और झंडे जो है कांग्रेस के हाथ में डाल रखे थे। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि उनको एक हदायत दी जाए, नोटिस काटा जाए कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो फॉलो करे, नहीं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और हमें पूरी आशा है कि हमें न्याय मिलेगा। हमारे जो चुनाव आयोग की टीम है वो गंगोत्री जी के अंडर चल रही है और जिला और मंडल लेवल पे उनके लोगों की स्थापना हो चुकी है और सी विजिल के माध्यम से हम लगातार एक पैनी नज़र जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स पे बना के बैठे हैं और उनके ऊपर लगातार जो है हम कंप्लेंट फाइल करेंगे अगर वो कुछ गलत करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इलेक्शन कमीशन से न्याय मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।